हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि गांव आया हुआ था और मौका मिल गया। कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, डिलीवरी उसका लेने आ गया है, तो उसी का डिलीवरी लेने जाना है। वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि क्या मैंने मंगाया है। बहुत अच्छी चीज़ है और उसका रिव्यू दूंगा। ठीक है, बने रहिए ब्लॉग पे आगे। हाँ तो गाइज, एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा गांव है वो नवादा जिला का सबसे अंतिम गांव है और हमारे गांव में डिलीवरी नहीं आता है, तो हमें लेने जाना पड़ता है बगल वाले गांव में, जो कि बगल वाला गांव जो है वो दूसरे जिला में पड़ता है, शेखपुरा जिला में। तो मतलब ये बहुत कॉमन अनकॉमन सी बात है ना कि मतलब कि अंतिम जिला का अंतिम गाँव है मेरा, उसके बाद वाला गाँव शेखपुरा में पड़ता है। थोड़ा सा अनकॉमन लगता है ना। चलिए देखिए, शेखपुरा हम इंटर करने वाले हैं। नवादा शेखपुरा बॉर्डर देख लीजिए आप लोग, ये नवादा शेखपुरा जाने का बॉर्डर। हमारा गांव खत्म हो चुका है, अभी ससबाना शुरू हो चुका है। यहाँ से ससबाना है, नहीं हो ससबाना में इंटर कर चुके हैं। वो पीछे जो ब्रिज मतलब कि पुल दिख रहा है ना, वहां से हमारा गाँव खत्म होता है और ये शेखपुरा शुरू होता है। यहाँ से जाएंगे हम लोग डिलीवरी लाने के लिए बाजार, मतलब जो मार्केट है बगल वाले गाँव का, जो लोकल मार्केट है हमारे यहाँ का, वहाँ पे डिलीवरी आता है फ्लिपकार्ट से। अमेजन से मैंने दोनों से कर दिया था, तो फ्लिपकार्ट का जल्दी आ गया तो फ्लिपकार्ट से ले लेते हैं, जाके अमेजन का कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं डिलीवरी करने वाले का। ये रवीश है, इसको तो आप पहचानते ही हैं, हमारे अधिकतर ब्लॉग में ये रहता है ना। तो अभी वो बोला है 10-15 मिनट लगेगा, तब तक के लिए हमें इंतजार करना होता है। यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, वो हमारी साइकिल लगी हुई है यहाँ पे, है ना, तब तक के लिए। तो गाइस, हमने डिलीवरी मतलब कि जो हमारा ये है इसको ले लिया है। आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा ना, इसमें बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आपको इसका रिव्यू मैं दूंगा आगे जाके, जब हम अपने रूम में जाके बैठेंगे यानी अपने घर पहुंचेंगे, तब इसका रिव्यू आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा बहुत बड़ा खजाना है ये। ठीक है, थक गए यार, थके एक गिलास जगह पे इसको फाड़ दे, इसको फाड़ रहे हैं पीने को, और ये थक चुका है मेरा। और अब इस किताब के बारे में बताते हैं। ये किताब जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया, आषाढ़ का एक दिन, एक प्रेम कहानी है बेसिकली। शायद मतलब जैसा कि मेरे को पता है, ये कालिदास की जो पत्नी थी मल्लिका, शायद नाम था ना, या उन या दूसरे की थी, हाँ मतलब ये भी प्रेम कहानी, पर जो ये इसमें प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, एक नाट्य शास्त्र की किताब है, जिसमें कि जब हमारे देश में हमारे संस्कृति में नाटकों का आगाज होने लगा था, उस समय की बेहतरीन किताबों में से एक किताब है जिसको कि बहुत ज्यादा सराहा गया था और लोग अभी भी इसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। इस किताब के बारे में ऐसे तो एक सब ऐसे वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको बिना पढ़े ये किताब देखने में जितना छोटा लगता है उतना है नहीं। इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें और जो कहानी का मुड़ाव है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें बताया गया, जिसको कि मैं पढ़ के आगे आपको अच्छे से बताऊंगा कि और इस किताब में क्या क्या है बेसिकली। और बाकी देखिए, इस ये सब फिगर्स को देख के हमें साफ पता चलता है कि ये शास्त्रीय मतलब क्लासिकल है, बहुत ज्यादा क्लासिकल ड्रामा के ऊपर बेस्ड ये किताब। और मैं इसे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा, जब से मैंने ऑर्डर किया था बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस किताब को पढ़ने के लिए। फाइनली मैं ला चुका हूँ, मैं इसे पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू दूंगा कि आपको ये किताब खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।